देखिए बड़ी साधारण सी बात है, आप किसी को ले जाकर कहेंगे प्लीज गिरफ्तार कर लो इसको, है ना, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, नहीं कर लेगी ना। और अगर पुलिस गिरफ्तार करने पर आई तो क्या मुख्यमंत्री बचा लेंगे बेबस को, उसके घर जाके क्या दरवाजे पर ताला लगा के बाहर खड़े हो जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी मैं गिरफ्तार नहीं करने दूंगा। पुलिस गई है कहीं पर जो उनको रोका गया कि गिरफ्तार मुख्यमंत्री नहीं करने दे रहे, तो आप हमें बताइए, हम बात करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ना, पुलिस ने FIR कर ली, मेडिकल जांच हो गई है, पूरी भाजपा इस बात को सुनिश्चित करिए, प्रधानमंत्री जी तक भी इस पे बोल रहे, राष्ट्रीय महिला आयोग, तो स्वाभाविक न्याय मिल जाएगा इसमें। स्वाति की आप चिंता छोड़ दीजिए, स्वाति के साथ न्याय हो जाएगा, हमें उन बेटियों की चिंता है जो न्याय पे न्याय मांग रही है, पर उनसे न्याय नहीं उनको दिया जा रहा, उनके दोषियों को, चाहे वो आपका ब्रजभूषण शरण हो, कुलदीप सिंह सेंगर को बचाया आपने, आपने संदीप सिंह हरियाणा के मंत्री को बचा रहे हैं, आपने बिल्किस बानो के जो है सामूहिक बलात्कारियों को रिहा करके लड्डू खिलाए, हार डाले, वोट मंगवाए, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद वो अंतर होते हैं, आप राम रहीम को बेल देते रहे, पैरोल देते रहे, पैरोल पे छोड़ते रहे, वहां पर भी कोर्ट ने आपको फटकार लगाई कि सरकार अभी फैसला नहीं लेगी, कोर्ट से आपको लेना पड़ेगा। तो हमें चिंता उन बेटियों की है जिनकी न्याय जिन्हें नहीं मिल रहा भाजपा की सरकार के रहते हुए, स्वाति को न्याय मिल जाएगा। ये किसने चुप्पी साधी है, चुप्पी तो प्रधानमंत्री जी आपने साधी थी। साक्षी मलिक की FIR दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं की, क्यों साक्षी मलिक को सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, पूछना चाहते हैं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार मणिपुर में है ना, आदिवासी बेटियों को पुलिस की सुरक्षा थाने से घसीट कर बाहर ले जाकर नग्न करके सामूहिक बलात्कार होता है, आपकी सरकार है ना, मुख्यमंत्री मणिपुर का इस्तीफा आपने लिया, नहीं लिया, डबल इंजन की सरकार है। हाँ तो आप अगर स्वाति मालीवाल की बात करेंगे तो स्वाति मालीवाल एक सशक्त महिला है, उसे अपने कानूनी हक अधिकारों का पता है, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद है, उसकी पार्टी ने उसके साथ हुए अपराध को स्वीकार लिया है और कहा है कि हम उसका साथ देंगे, बड़ी बात है, उसका उसकी पार्टी साथ दे रही है। और पुलिस और कानून, राष्ट्रीय महिला आयोग, दो मिनट नहीं लगा स्वाति के लिए लेटर लिख दिया उन्होंने, है ना, यही उम्मीद तो हम साक्षी मलिक के लिए भी कर रहे थे, बिल्किस बानो वाले मामले में कर रहे थे, प्रज्वल रेवन्ना, है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी आप ही ने तो वोट मांगा ना प्रज्वल रेवन्ना के लिए, क्या दिल्ली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने प्रज्वल रेवन्ना के मामले में कोई पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी आपने चुप्पी तोड़ी, देश आपको कह रहे चुप्पी तोड़ो प्रज्वल रेवन्ना, देश वापस लाकर गिरफ्तार करो, बेटियों के साथ न्याय करो, प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी नहीं तोड़ी है। तो भाजपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, स्वाति मालीवाल की जहां तक बात है उसको न्याय तो मिल जाए। देखिए ये जो सब बातें साजिया जी कह रही है उनके व्यक्तिगत अनुभव रहे होंगे, हम उन्होंने आपसे साझा किए हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, मैं भी वहां रही, मेरे भी निजी व्यक्तिगत वहां पर अनुभव रहे हैं, स्वाति के रहे हैं, जो महिला आज भी वहां पर बनी हुई हैं उनके अपने हैं, तो ये बड़े निजी अनुभव अपने हैं और उस पर आपको अपने आप को कॉल लेना होता है कि आपको क्या करना है आगे, और हर एक ने अपने अपने फैसले लिए हैं, चाहे साजिया हो, चाहे मैं हूँ, चाहे स्वाति है, चाहे वो आतिशी मरलिन आज मंत्री है, तो ये निजी अनुभव है, पर आपको कॉल लेना होता है।